बेस्ट थे सलमान भाई हैं तो ऑलवेज फिल्म तो सुपर होनी है, और सलमान भाई जब आते हैं ईद पे तो कुछ अलग ही भाई अपना एक धमाका लाते हैं। सलमान भाई का अपना एक अपना अंदाज है। ऑल ओवर फिल्म तो बस ठीक है, 100 में 100 ही बोल सकते हैं उसको, बट ठीक है। नहीं मुझे तो आई थिंक बस एक 10% जो है अच्छी लगी, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है ऑलवेज, बाकी तो ऑडियंस है हाँ सबको 10 की कुछ अच्छा अपना आती है। 10 में से मैं चाहूँगा 8 नंबर जो है। रजिस्ट्री पब्लिसिटी इतना किया था लेकिन इट डजेंट कम अप टू द टारगेट, क्योंकि कई चीज़ इसमें मिसिंग है, यानी इसमें सोल दिखती नहीं, बॉडी ही दिखती है। और ऐसा लगता है कि सलमान खान ने एक फिल्म बनाया अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको खुश करने के लिए, वेदर इट इज़ देसी शाह या बॉबी देओल या सलीम साकिब, सबको खुश करने के लिए सलमान खान ने एक फिल्म बनाया। इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा ही नहीं, और जब कोई फिल्म में कंटेंट इज़ मिसिंग एंड शोर शराबा ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा फ्यूचर नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल से रेस 3 इज़ एक जैसे डेड बॉडी को लिटाया है, उसमें पूरा ऑर्नामेंट्स डाल के, यानी ऑर्नामेंट्स देख के लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये डेड बॉडी। इतना ही कहूँगा मैं रेस 3 के बारे में। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 10 में से मैं इसको 4 मार्क दूंगा। रेस 3 के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे, सलमान खान का रोल बहुत अच्छा है, बॉबी देओल एकदम कॉम्बिनेशन हट के पहली बार दोनों आ रहे साथ में, ऑन स्क्रीन एकदम दोनों की जोड़ी जम गई है, और बाकी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे से किया गया इस पिक्चर में, और एकदम मतलब हॉलीवुड लेवल की पिक्चर बनाई गई है, बहुत देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार मज़ा आ गया, एकदम दिल खुश हो गया। 10 में से मैं 7 स्टार देना चाहूँगा। सलमान की रेस 3 रिलीज क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको मूवी? रेस 3 पिक्चर काफ़ी अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, सब अच्छी है, इतने सारे स्क्रीनों में रिलीज हुई है और मेरे सामने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और स्टोरी की बात करें कैसा रिव्यू आ रहा है इसका? रिव्यू तो देखिए ऐसा मिक्स रिव्यू सबका होता है, बट मेरे हिसाब से तो इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इसका? हाँ जी, 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इसका? 10 में से कितने मार्क देना चाहेंगे? 10 में से 8 देखना चाहिए। रेस बहुत अच्छी फिल्म गई है, इतनी ख़ास भी नहीं, जो सलमान भाई की फिल्म होना चाहिए उस तरह की नहीं है, बट ठीक है, और ईद की वजह से कम 300 करोड़ का बिजनेस करेगी और 3500 स्क्रीन के साथ फिल्म रिलीज हुई है। 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 10 में 8 दूंगा और फिल्म को 5/3 स्टार दूंगा, बट एक्शन इसका बहुत ज़बरदस्त है इसलिए एक्शन के लिए लोग ज़्यादा जाएंगे, और सलमान भाई के डायलॉग तो बहुत अच्छे हैं ये फिल्म के अंदर। रेस 3 एक बार देखने लायक है, क्योंकि वन टाइम ठीक है देखने लायक, इतना तो जो सलमान की जो उम्मीद थी इतनी तो उम्मीद पे जाएगी नहीं, लेकिन वन टाइम ठीक है देखने लायक। और उसके साथ में वो भी है काफ़ी सारे नहीं, स्टार कट की बात करें तो सबका अपना अपना किरदार अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा किरदार है, लेकिन जो सलमान का जो ईद पे जो होना चाहिए हर साल के लिए इस तरह नहीं है, थोड़ा नाराज़गी है, स्टोरी की हिसाब से थोड़ी नाराजगी है। 10 में से कितने? 10 में से तो मैं 5 स्टार देना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। रेस कैसी लगी आपको? रेस की तरह लगी, पहले जो सैफ अली खान की जो बात थी उसमें उनकी कमी को पूरी तरह से पूरा किया है सलमान खान ने, और उसका एक्शन, उनके डायलॉग्स, प्रोनाउंसिएशन ऑसम, क्या मूवी थी, मैंने तो देख के उसको 9.5 देना चाहूँगा, बहुत अच्छी मूवी बनी है। रेस 3 इस बार बहुत ही डिसेंट स्टोरी डाला गया है, मतलब ट्रैक बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मेन मुद्दा वही था, बस कुछ घुमा के डाला गया ऐसा चीज़, मगर पिक्चर देखने लायक है। रेस 3 देखिए, सलमान खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बॉबी ने भी अच्छी एक्टिंग की है, एक्टिंग सबकी ज़बरदस्त है। मूवी बोले तो सलमान भाई की मूवी पहला शो मैं देखने जाता हूँ जब भी रिलीज डेट होती है, और ये शो भी बस फुल पैसा वसूल मूवी है, अभी आप नहीं गया है तो प्लीज़ थिएटर पहुँचिए और
फिल्म देखी है। रेस थ्री कैसी लगी आपको? रेस थ्री मुझे बहुत ही अच्छी लगी और देखने पर ये पता चलता है कि ये फिल्म दौड़ेगी और सुपर डुपर हिट जाएगी। एक्टिंग की बात करें, कैसी लगी मूवी के रेसर की एक्टिंग? एक्टिंग में तो देखा जाए तो ये सब शुरू से ही माहिर हैं, लेकिन इसमें एक्टिंग इनकी काफ़ी निखर के आती है। लगता है कि हाँ कुछ हम देख रहे हैं, और जब हम देखते हैं तो हमें लगाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे आसपास क्या है, हम उसमें खो जाते हैं। एक्टिंग ऐसी है इनकी। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? फिलहाल क्योंकि मैंने अभी पूरी देखी नहीं है तो 10 में से मैं 9 ही दूंगी।